रख ले चाय ले अच्छे से बना। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं हल्का विधायक लाड़वा जो मेवर सिंह जी हैं, उनके साथ हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जो अभी बिल्कुल गर्म मुद्दा मिला हुआ है विपक्षी पार्टियों, ये कांग्रेस से यहाँ के एमएलए हैं लाड़वा विधानसभा क्षेत्र से। बात करेंगे हम जो सोनाली फोगाट भाजपा नेत्री बताया जाता है, जिनको कहा जाता है कि उन्होंने एक सेक्रेटरी को, सरकारी मुलाजिम को चप्पल थप्पड़ों से पीटा। सर, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, सोनाली फोगाट ने जिस तरह से मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को बुरी तरह से, पहले उसको थप्पड़ मारे, उसके बाद उसको अपने चप्पल से, उसके मुंह पे चप्पल मारे, सिर पे चप्पल मारे, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। आज अगर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के ये हारे हुए प्रत्याशी थे जो चुनाव हार गए हैं, वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और सभी उल्टे सीधे काम इस प्रदेश में कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के चाहे पिछले दिनों कुथुरिया कांड था, चाहे सोनाली कांड था, हर रोज नए नए कांड आ रहे हैं, चाहे वो शराब कांड था। तो मैं तो एक सरकार से अपील करूँगा कि सभी किस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की क्या नीति रहेगी, रणनीति क्या बनाएंगे इस सारे प्रकरण में? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कर्मचारियों के साथ है और कर्मचारी जो भी संघर्ष करेंगे, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती तो कर्मचारियों को संघर्ष करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी उनके साथ। सरकार का आज एक साल कल पूरा हुआ है और ये अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, इस कोरोना जैसी महामारी में एक तरफ तो पूरे देश को परमात्मा के भरोसे इन्होंने छोड़ दिया है, सरकार ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर लिए हैं। जब 500 मरीज इस देश में होते थे उस टाइम तो पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया और आज 2.5 लाख मरीज क्रॉस कर चुके हैं और हर रोज 10.5 और 11 हजार मरीज बढ़ रहे हैं। आज सारा कुछ खोल दिया तो सरकार ने पूरी जनता को, इस देश की जनता को परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया है और जनता अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। और एक साल की जो आज ये उपलब्धियां गवा रहे हैं, गिनाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, ये पूरी तरह से फेल सरकार है। आज कहीं भी पूरे प्रदेश में ना तो कोई नया कारखाना लगा है, ना कोई नई यूनिवर्सिटी है, ना कोई नया थर्मल प्लांट है। फेलियर के स्वयं के पास कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं। सर, सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई इस कोरोना काल में और कोरोना के मरीज, जैसा कि अभी आपने बताया कि लगभग 10,000 डेली बढ़ रहे हैं, तो ये जो अनलॉक किया गया है इसका परिणाम क्या रहेगा आगे? इसका परिणाम ये सामने रिजल्ट आ रहे हैं, ये 11,000 मरीज जो बढ़ रहे हैं, तो क्या आज जो उस टाइम बगैर सोचे समझे लॉकडाउन किया गया, 5-7 दिन का टाइम देना चाहिए था, जिसको भी जहाँ अपने घर अपने ठिकाने में जाना है वो जा सकता है, उसके बाद लॉकडाउन करना चाहिए था। उस टाइम बिना सोचे समझे लॉकडाउन कर दिया। जो आज कोरोना के मरीज आ रहे हैं वो सारे के सारे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, चाहे वो कहीं को दिल्ली शहर है, चाहे कोई गुड़गांव शहर है। आज लॉकडाउन खुलने के बाद वो वहां से बीमारी लेके यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर फैलाने का काम कर रहे हैं, ये सरकार का फेलियर है। क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, कोरोना के बारे में तो मेरा एक ही संदेश है, मैं सभी नागरिकों से एक ही अपील करूंगा कि सरकार के भरोसे ना रहे, अपनी सुरक्षा खुद करें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ थे विधायक मेवा सिंह जी जो कि लाड़वा विधानसभा क्षेत्र से थे। उन्होंने जो सरकार की जो नीतियों के विरोध में जो भी बात बताई, आपके रूबरू आपके मोबाइल स्क्रीन पर रहेंगी। वेन्यूज़ के लिए मार्तन प्रकाश, कुरुक्षेत्र।